Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum learners. Today the topic of the video is Walking by G.M. Trevelyan from the Essays and Literary Criticism section of Modern English Prose by Guy Boas. But before that, please subscribe my channel or please like bhi kar dijiye karein video ko aur subscribe zarur karein kyunki jab aapko lectures se mere dene se help ho rahi hai aapki aap jo hai appreciate kar rahe hain to fir aap subscribe bhi karein isse mujhe bahut zyada encouragement milti hai so please subscribe my channel okay so we will start the topic of walking by an introduction of the writer he G.M. Trevelyan was a British historian and academic he is the most widely read historian in the history of the world and was a very prolific author ye unhone essay likha hai ek simple sa walking pe aur jo hai simply walking jo hai chahal kadmi jo hoti hai tehlna uske bare mein unhone apna nazariya pesh kiya hai aur usko different tarike se bayan kiya hai ki walking kis tarike se bahut achhi lagti hai aur kab achhi lagti hai to ye ek simple unka apna opinion hai walking ke upar so let's start the topic It starts from these lines If I have praised wine in Italy by how much more shall I praise tea in England the charmed cup that prolongs the pleasure of the walk and its actual distance by the last best spell of miles simply writer start is tarike se kehte hain ki walking ka jo maza hai asal aata hai kis tarike se tea se tea adds a lot of pleasure to walking and makes it perfect jab aap walking ke sath sath chai peete hain या बीच में ब्रेक लेकर चाय के लिए रुकते हैं तो वो आपको बहुत आपकी वॉक को बेहतरीन बना देता है और जो है और प्लेजर्स में ऐड करता है राइटर कहते हैं कि वॉकर्स के लिए टी इस तरह से है जैसे वाइन जो द इटालियंस यानी इतनी अहमियत की हामिल है और इसकी वजह से ही वॉकिंग को परफेक्शन मिलती है और आज टी की वजह से ही वॉक परफेक्ट कहलाती है इंसान राइटर कहते हैं कि जो है शेक्सपियर ने भी अपनी एक प्ले के अंदर इसी बात को जाहिर किया है कि जो है अगर जो उसका प्ले है एज़ यू लाइक इट उसके अंदर दो करेक्टर्स हैं रोजालैंड एंड टचस्टोन वो ढूंढने जा रहे हैं ड्यूक को और इसके लिए वो वॉकिंग कर रहे हैं चल रहे हैं लेकिन वो रास्ते में एग्जॉशन की वजह से थक जाते हैं तो इसलिए वो अपनी कंटिन्यू नहीं कर पाते वॉक तो राइटर कहते हैं कि अगर उन्होंने टी रास्ते में ली होती तो वो ज़रूर अपनी वॉक को कंटिन्यू कर पाते और वो जो को ढूंढने में भी कामयाब हो जाते फिर राइटर टी की अहमियत बताते हैं राइटर कहते हैं कि असल में टी जो है वो नेटिव तो नहीं है नेटिव प्रोडक्ट तो नहीं है इंग्लैंड का यानी कि यहाँ से तो नहीं ओरिजिनेट हुई है लेकिन फिर भी ये इतने ज़्यादा यहाँ पी जाती है इंग्लैंड में कि ये नेशनल ड्रिंक बन गया है टी नॉर्मली जो ये आज आप चाय पीते हैं दूध पत्ती या ये जो दूध वाली चाय आप पीते हैं असल में वो इंग्लिश टी कहलाती है इसको मिल्क टी कहा जाता है इंग्लैंड में और ये असल में उन्हीं की टी है जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में आप अडॉप्ट हो गई है पाकिस्तान और इंडिया में ज़्यादातर ये चलती है तो ये जो है राइटर कहते हैं कि इंग्लैंड में ये इतना चलती है कि इसको नेशनल ड्रिंक माना जाता है फिर राइटर कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इंसान को राइटर को तब खुशी मिलती है जब वो वॉक के बाद उन्हें रास्ते में चलते हुए एक छोटा सा कोई रोड साइड होटल या इन मिल जाए और वहाँ पे वो अपनी चाय पी सकें ये उनके लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात होती है फिर एक घंटे का रेस्ट भी जो है वो नथिंग लेस देन पैरालाइजन होता है और जब ख़ासतौर पर आप अपनी एक फेवरेट बुक अपने फेवरेट ऑथर की पढ़ रहे हों और आपको और भी ज़्यादा अच्छा लगता है आप इंजॉय करते हैं जिस तरीके से अपनी इस वॉक को और ज़्यादा बेहतर आपको फील होना शुरू हो जाता है ख़ासतौर पर जब आप टी ले लें और साथ में अपनी फेवरेट बुक पढ़ें तो राइटर काफ़ी जो है वो आर्टिस्टिक माइंड के और इस तरह से हैं कि वो छोटी छोटी चीज़ को भी इंजॉय करते हैं फिर वो कहते हैं कि जब और भी ज़्यादा आपको मज़ा आता है जब आप अपनी वॉक को कंटिन्यू करते हैं इनटू द ट्वाइलाइट ऑफ द इवनिंग फिर उस टाइम जो है राइटर कहता है कि इंसान की हालत इस तरह से होती है कि आपकी रूह जो है वो पूरी तरीके से जागी नहीं होती है जबकि जो आपकी बॉडी होती है वो बहुत हेल्दी फील कर रही होती है ऐसा लगता है कि जैसे आप नेचर के साथ आप बहुत ज़्यादा एट वन हो गए हैं और अपने आप को नेचर के अंदर बहुत ज़्यादा घुलता हुआ पाते हैं फिर राइटर कहते हैं कि उस टाइम माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है द डिलाइट ऑफ पीस जो उसे काम और पीस उसके दिमाग को मिलता है और सराउंडिंग इन्वायरमेंट की वजह से तो ये चीज़ें जो है राइटर को बहुत ज़्यादा अपील करती हैं और उसे अच्छा लगता है फील करना ये राइटर कहते हैं कि अगर आप अपनी वॉक को कंटिन्यू करें और लेट नाइट वॉक करें
तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और जो है जब रास्ते में आपको थोड़ा सा थक जाए तो आपने रेस्ट करना हो, तो आप का खुशी की वजह क्या होती है कि आपको रास्ते में खूबसूरत सी कोई छोटी सी हैमलेट या वादी मिल जाए। जो आज तक कभी आपने विजिट नहीं की थी तो आपको वॉक करते करते वो वादी मिल जाती है, आप उसमें स्टे करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और फिर जो है सफ़र के बाद जो आप थोड़ी सी वॉक करते हैं वो भी बहुत ज़बरदस्त होती है। एक तरफ आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है नेचर की तरफ से, और आपको फील होता है कि जैसे आप बाकी इंसानों से अलग हैं और काफ़ी सुपीरियर फील करते हैं, क्योंकि आप जो है बहुत ज़्यादा हेल्दी फील कर रहे होते हैं और आपका माइंड बहुत काम होता है। और जो है आपको इसलिए आम चीज़ें भी बहुत ख़ास लगना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि फूड एंड ड्रिंक जो है वो आम चीज़ें, लेकिन वो आप बहुत अच्छे तरीके से इंजॉय करते हैं और आपको वो बहुत अच्छी लग रही होती हैं। और जैसे कि आम से कोई बुक आप पढ़ लें अपने फेवरेट ऑथर की, तो वो आपको बहुत अच्छी लगना शुरू हो जाती है। वैसे अगर आप पढ़ें तो आपको ख़ास ना लगें, पर अगर आप वॉक के टाइम या वॉक से ब्रेक लेकर थोड़ा सा पढ़ें तो बहुत अच्छा लगता है आपको पढ़ना। फिर आपका क्योंकि माइंड उस टाइम बहुत ज़्यादा शार्प हुआ होता है, रिसेप्टिव हुआ होता है, तो आपको जो है ऑथर जो ने जो लिखा है उसकी अच्छे तरीके से समझ आना शुरू हो जाती है और आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको एक्साइटेड फील होता है। फिर राइटर एक सजेशन देते हैं वॉकर्स के लिए कि अगर आप एक खूबसूरत आफ्टरनून एंजॉय करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि एक डे का बीच में एक रेस्ट लें, एक ब्रेक लें अपनी लंबी वॉक के दरमियान, ताकि जो है आप अगला जो अगले दिन का आफ्टरनून है वो एंजॉय कर सकें। वरना अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे तो आप बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, जिसकी वजह से आप अगले दिन इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और ये आपको प्लेजर देती है अगले आने वाले दिनों के लिए। और जो है ख़ासतौर पर राइटर कहते हैं कि जब आप किसी फॉरेस्ट में या जंगल में लेटे हुए होते हैं, आराम से सस्ता रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, अच्छा फील होता है। और जो है आपकी बॉडी जो है वो ऐसा लगता है कि स्लीप है, सोई हुई है और हेल्दी फील कर रही है, जबकि आपका माइंड जागा हुआ है और जो है बहुत ज़्यादा शार्प हुआ हुआ है। फिर राइटर कहते हैं कि आजकल की जो मॉडर्न ज़माने की लाइफ है हमारी, उसमें हम इतने बिजी हो गए कि हमें इन ये सब करने का टाइम नहीं मिलता, हम इन्जॉयमेंट नहीं कर पाते, लेकिन जो है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमें जब एग्जॉशन की बात ये सुकून मिलता है तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। फिर राइटर कहते हैं कि एक और जो वॉकर्स के लिए अच्छी बात होती है और जो उनको ऐसा करना चाहिए कि हर किस्म का वेदर इन्जॉय करना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है अगर सिर्फ क्लियर डे होगा तो ही मैं वॉक करूँगा, बारिश नहीं होगी जिस दिन मैं उस दिन वॉक करूँगा, नहीं। राइटर कहते हैं हर एक मौसम में आप वॉक करके एक्सपीरियंस करें और इन्जॉय करें उसको, और हर किस्म का मौसम वॉकर को पसंद आना चाहिए। जैसे कि एक सूरज सनी डे नॉर्मली, या फिर विंडी डे, उसके अलावा जो है जब आप स्नोफॉल भी हो रही हो या स्नो स्टॉर्म हो रहा हो, विंड स्टॉर्म, आप उसमें भी वॉक करें, आपको अलग किस्म का एक्सपीरियंस आएगा। आप जब बारिश में गीले होंगे तो तब आपको अलग एक्सपीरियंस आएगा, तो ये सारी चीज़ें इंजॉय करनी चाहिए। राइटर कहते हैं कि इसी तरह जब कोई धुंध वाला मौसम होता है, मिस्ट वगैरह गैदर हुई होती है, तो जब आपको माउंटेन्स उसमें से नज़र आते हैं मिस्ट में कवर्ड हुए, तो वो बहुत ही प्यारे से लगते हैं। धुंध में घिरे हुए पहाड़ बहुत प्यारा नज़ारा देते हैं और वो आपको बहुत प्यारे लगते हैं। और जब आप उस धुंध में उन पहाड़ों में खड़े होते हैं, आपके पाँव में पानी कहीं से आ रहा होता है, किसी दरिया से या कहीं से भी, आपको पता नहीं होता क्योंकि आसपास धुंध है, आपको पता नहीं होता ये कहाँ से आ रहा है, तो वो भी एक अलग सी फीलिंग होती है, बहुत अच्छा लगता है। और जो है आहिस्ता आहिस्ता फिर जब सूरज निकल आता है और वो धुंध हटना शुरू हो जाती है, तो आपको आसपास का नज़ारा नज़र आता है। और जो है एक वो जो सहरदारी था धुंध की वजह से वो उतर जाता है और आपको जो सूरज है वो असल हकीकत दिखाता है, और माउंटेन्स की भी, और सनलाइट की वजह से आपको क्लियर सब कुछ नज़र आना शुरू हो जाता है। सो दिस वाज द चैप्टर वॉकिंग, जो कि राइटर ने अब डिफरेंट तरीके से बयान किया है कि कैसे उसको वॉक पसंद है, किस किस तरीके से, और उसने एडवाइजेस भी दी हैं कि वॉकर्स को क्या क्या करना चाहिए अपनी वॉक को ज़्यादा इंजॉय करने के लिए। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो, और प्लीज़ इसको लाइक का बटन दबाएँ और जो है सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरा चैनल।